आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। और अभी अभी न्यूज़पेपरों में खबर आई है कि जो दिल्ली है उसके अंदर गैस लीक हो गई है, जिसके अंदर 110 स्कूली बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हाँ दोस्तों, आप मैं खबर को विस्तार से पढ़ देता हूँ। जो दिल्ली नई दिल्ली है उसके अंदर जो तुगलकाबाद इलाका है उसके अंदर एक कंटेनर डिपो है जिसके अंदर से गैस लीक हो रही है और उसके पास में एक स्कूल है रानी झांसी सरोदय कन्या विद्यालय, जिसके अंदर वाइस प्रिंसिपल ने ये बताया है कि जो कुछ बच्चे आंखों में जलन और गले में जलन की शिकायत कर रहे थे, तो वो जब बच्चे लगातार कर रहे थे तो इसके बाद 110 बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और मौके पर पुलिस की गाड़ियां और जो दमकल की गाड़ियां हैं वो भी पहुंची। तो उसके बाद जब न्यूज़ चैनलों के अनुसार जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा है कि हमारे कई बच्चे बेहोश हो गए और कईयों की आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। तो इसी प्रकार माँ बाप न्यूज़ चैनल से शिकायत कर रहे थे और प्रिंसिपल से भी कह रहे थे। तो हाँ, हालांकि बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया और जो वहाँ के जो चिकित्सक हैं वो कह रहे हैं कि अब बच्चे खतरे से बाहर है, अब बिल्कुल ओके है। और जो वहाँ के मनीष सिसोदिया जी हैं दिल्ली के चीफ वो उप मुख्यमंत्री, तो उन्होंने ये कहा है कि हम इसके ऊपर शिकायत दर्ज कर ली है और इसके ऊपर एक्शन भी लेंगे कि इस प्रकार की गैस लीक कैसे हो रही है, उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान क्यों नहीं रखा गया। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। हमारे चैनल